आवाज करें इसके साथ हमारे हाजी अजहर साहब अब फाइनल मैच शुरू होगा के टू रनर अप सुपर फाइनल में रनर अप विनर अप रहे हैं। अभी ट्रेडिशनल आरसीबी का सुपर फाइनल का मैच के टू वॉरियर वर्सेस रंगलो के मावे देखते हैं कि ये दोनों रखने का मकसद है कि सपोर्ट को बढ़ावा देना आरसीबी के अलावा बाकी हमारे इलाके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या यूटी सजाता पे अभी बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे कर सकते हैं। अभी का स्कोर का 3-2 वॉरियर खाता खोलने में नाकाम देखते हैं कि दोनों टीमों में से कौन विनर आप यहाँ पे ट्रेडिशनल आरसीबी हो या मॉडर्न आरसीबी की कैटेगरी में यहाँ पे मैच खेला गए थे मॉडर्न आरसीबी सुपर फाइव ट्रेडिशनल आरसीबी सुपर टीम एंड सुपर फाइव यहाँ पे सुपर फाइव का फाइनल मैच पहला राउंड का केटू वॉरियर्स का साथ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत केटू वॉरियर के प्लेयरों को में बराबरी को लेने के लिए ओपनिंग प्लेयर जानिब से सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खुसूसन हमारी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमारे इलाके सज्जाद हुसैन वर्सेस साहिद महमद देखते हैं कि रबीउल अच्छा मिलके सज्जाद हुसैन को मौका मिला क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। सज्जाद हुसैन एक पॉइंट जोड़ने में कामयाब आगा मोहम्मद केटू वॉरियर्स का प्लेयर जानमन प्लेयर देखते हैं कि अपने टीम से अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। सरकार से काफी दूर जा गिरा मौका मिला सज्जाद हुसैन का दूसरा तीर मौजूद रबीउल अच्छा मिलकर एरो कमांडर मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस गुलाम गुलाम मोहम्मद देखते हैं कि
मौका मिला गुलाम को, K2 वॉरियर के एरो कमांडर क्या कर पाते अपने टीम के लिए, एक पॉइंट जोड़ने में कामयाब। इब्राहिम का पहला तीर सर्कल से एक ही दूर जा गया। गुलाम का दूसरा तीर अपने टीम के लिए क्या कर पाता है, सीधा 2 पॉइंट 3 पॉइंट मजीद अपने टीम के खाते में। ऐसे हमारे हौसला और भी बुलंद हुए हैं आपके आने से, हमारे तमाम एरो कमांडर, तमाम तमाशाई, तमाम प्लेयरों को और भी अपना हौसला बुलंद हुए हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के गेस्ट ऑफ ऑनर करगिल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर मेहरा टीम से गुजारिश करते हैं कि आप अपना व्यू और पॉइंट्स रखें हमारे तमाशाइन के साथ, हमारे प्लेयरों के साथ, हमारे तमाम शौकीन के साथ अपना थॉट्स ऑफ व्यूज रखें। मिस्टर मेहरा टीम साहब, ओलंपिक के प्रेसिडेंट मिस्टर मेहरा टीम। Two Indians were the joint director information, Ruchi Dada, Kausen Sahib, Namardar, PM Mati Babe Huzuk Sahib, Kakam Yuna Arun Sahib, Assalamu Alaikum. In this business tournament, Rana Yulam Stule, Ruma Singh, Nati Culture Po, Nati Tradition Po, Nati Ata Punjit Tosven Yutpi, Dana Udram Jirin, Soma Yantis, Da Kuri Tankun Kuri, Degas Stule, Naza Manam De Tankun Tinde, Shing Chose, Ategatina, 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 Jig Zefanjiga, Dare Modern Zamanam, Soma Soma Technology, Soma Soma Equipment, Ose Dun and Testimal, Don Ton Seman Tarposo, Donati, Ron Murtadas, Enti di William Dito program bacha Dito competition bacha ko lakh lakh mubarak dona ko already taekwondo core committee member in baaki har activity some sports promotion if you are murtaza har jagah ekdam sa pramukh bindu dekh kar maine murtaza nasina mubarak dona ekdam sa mubarak in enti di William Dito program bacha spa dona mati going is dare ice hockey national team and selection from so भूमिक नाती एमपोल देखा चिदुक नाती पुक्षो ना को इंडिया आइस हॉकी वाइस प्रेसिडेंट वाइस कैप्टन दोनों नाती मनु मेहरून शर्गोन नाती भूमिक को दिचिक नाती आइस हॉकी नेशनल टीम सेक्शन टीम से जा तो इन साल नाती या स्पोर्ट्स नाते प्रमोशन बिन दुग ना गतो नाती इंशाल्लाह दिन करगिल डिस्ट्रिक्ट नाती रूम मांगे मांगो बिन चायत या ओजू सलासलाम। शुक्रिया ओलंपिक प्रेसिडेंट के, ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट के मेहरा जुदीन साहब अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ आवर हुए। इसके बाद ज्यादा वक्त न लेते हुए मिल्लत ए फखर का जो इम्तियाज अहमद ज्वाइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से गुजारिश करते हैं कि अपना वो पॉइंट हमारे तमाशा इन सब तक रखे काचो साहब। हमारे दोस्त करगिल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद राजुद्दीन साहब शाह साहब, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहदेदारान खासकर अली मुर्तजा काचो साहब, स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, नमदार मोहम्मद हुसैन साहब दोस्त हमारे, अजहर यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट हसन साहब, हाजी अकबर साहब, बाकी बुजुर्गवार और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस फाइनल मैच को देखते हुए बहुत ही खुशी हुई और मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा दोनों टीम टीम्स को। हर जीत तो लगे रहते हैं लेकिन इस मकाम तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। दोनों के टीम्स के मुजाहरा देख के बहुत बढ़िया लगा, तीरंदाजी बहुत अच्छा करता है, एक प्लेयर बहुत ही उन्हें नजरों में बहुत ही समा गया हुआ है, फिरोज साहब हमारे कहीं कहीं बैठे तो खड़े हो जाएंगे। फिरोज अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ये गुजारिश भी की थी कि अगर किसी हमारे इलाके की किसी बेटी ने अगर तीरंदाजी की होगी तो उसके लिए भी इनाम है, अगर वो तो सामने आ जाए, या कोई छोटा बच्चा, वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक हो रहा है
अगर किसी नौजवान कोई किसी ने बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग आर्चरी की होगी तो उसके लिए भी इनाम मिलता है। वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो इतने अच्छे उम्दे तरीके से आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत सारी टीम्स ने हिस्सा लिया था और आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि फाइनल में आप शामिल के दो टीम्स ही आए हमारे अपने इलाके के हैं और बहुत खुशी हुई सबको तीरंदाजी देख के। इतना हुनर है हमारे इलाके में, क्या कहें। तीरंदाजी जैसे मेरा साहब बोल रहे थे ट्रेडिशनल तो है ही, मॉडर्न में भी हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है क्योंकि करगिल से बाहर निकल के या लेह से भी बाहर निकल के ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं इंटरनेशनल आर्चरी पे ज़्यादा जोर होता है, तो उसमें भी हमें शायद अपने हुनर को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे हमारे नौजवान पीछे नहीं हटेंगे इसमें। इसमें अगर इक्विपमेंट्स मुहैया करने में कोई मदद की ज़रूरत होगी तो हम तो तैयार हैं ही। स्पोर्ट्स के इलाके स्पोर्ट्स और एजुकेशन ऐसी चीज है जिसको बढ़ावा देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो इसमें कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि लोग ठीक से पढ़े हमारे बच्चे और सेहतमंद रहें, बड़े हों और अपना एक एक अपना एक मकाम अपने सोसाइटी में बनाएं। एक ये वो एजुकेशन वाला रास्ता हो गया, दूसरा स्पोर्ट्स में आके एक डिसिप्लिन बनता है जिसका हमें हम वही जिससे करते हैं कि लोग बच्चों में डिसिप्लिन आए और हर डिसिप्लिन में हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हमारे पूरे सूद इलाके में टैलेंट की कमी नहीं है, इसको बस बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जितने भी एनर्जीज हैं जितनी ताकत है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जैसे कहते हैं यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से तो वैसे भी इंकरेजमेंट होती रहती है, टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। हम एज आवाम की तरह हम एज पब्लिक की तरह हम भी अपना ताउन देते रहेंगे, जितना सपोर्ट की ज़रूरत है जितने वो हम करते रहेंगे, बेशक उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बस मुर्तज़ा साहब जैसे और भी हमारे इलाके में नौजवान हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो जिन्होंने सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, उनको भी गुड लक कहूँगा आगे, क्योंकि सिर्फ आर्चरी ही नहीं, हम चाहते हैं साल भर गर्मियों में भी आप किसी न किसी स्पोर्ट्स में किसी डिसिप्लिन में भी टूर्नामेंट्स करते रहें और अपने इलाके का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के जितने भी लोगों बैठे हैं, मेरे दोस्त साथी जितने भी बैठे हैं, शुक्रिया आप भी आए, इस ठंड में आए और हम सब मिल के एक महफिल का आवाज़ यहाँ हुआ और तीरंदाजी भी देखी, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पब्लिसिटी देने के लिए तैयार है, हमारे नौजवान जिस फील्ड में एजुकेशन में स्पोर्ट्स में या जिस किसी भी फील्ड में भी आगे बढ़े तो उनको अगर उनके काम का पूरा जो काम की कहानी जो है पूरे करगिल में ना सही पूरे लद्दाख में अगर फैलाने की जरूरत है वो हम उसका वो काम हम करेंगे, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। बस ये है कि आप पढ़ते रहें और खेलते रहें, खुश रहें, आवाज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खान आप अपने मसरूफ वक्त से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ आवर हुए हैं, तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आप हमारी प्रोग्राम की अगली कड़ी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमारे मेहमान यूथ पसखर कमेटी के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद हसन से गुजारिश करते हैं कि आप आगे बढ़ें और बुल स्ट्रकर का इनाम तकसीम के लिए आगे आए। मिस्टर हाजी मोहम्मद हसन, यूथ पसखर कमेटी यूरबर्तन। इस साल सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी करगिल की तरफ से ये मैच मुनक़द हुई थी, उनमें से बुल स्ट्रकर हैं जिन्होंने बुल स्ट्रकर हासिल किए हैं मॉडर्न आर्चरी में, मोहम्मद हुसैन यूनाइटेड खंगरल। आप यहाँ पे आए अपना इनाम हासिल करें, हमारे यूथ पसखर कमेटी के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद हसन के हाथों से। दूसरा बुल स्ट्रकर ट्रेडिशनल आर्चरी में सलमान अली केसी पश्चिम। आप यहां आए अपना इनाम हासिल करें, सलमान अली केसी पश्चिम के प्लेयर। इसके बाद में इंफॉर्मेशन से आए हुए मेहमान मुर्तजा फाजली से गुजारिश करते हैं कि अब आगे बढ़ के हमारे मैच ऑफ द मैच का इनाम तकसीम करें। तो सुपर फाइव मॉडर्न आर्चरी में मैच ऑफ द मैच का इनाम का
इनाम हासिल किए हैं लियाकत अली सैनिक जथम सिंह, लियाकत अली मेश अब्दुल मेश सुपर फाइव। इसके बाद सुपर फाइव ट्रेडिशनल आर्चरी में रमयुल अक्चमिल आप यहां पे आए अपना सुपर टेन ट्रेडिशनल आर्चरी का प्लेयर मैन ऑफ। इसके बाद मैं ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट को मिस्टर मेहराजुद्दीन को यहां पे बुलाकर मैन ऑफ द सीरीज का इनाम तकसीम के लिए आपको दावत देता हूं। मोहम्मद अली बुतरा आप यहां पे आए अपना इनाम हासिल करें। गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मोहम्मद हसैन नंबरदार से गुजारिश करते हैं कि आप आगे बढ़े हमारे रनर अप का ट्रॉफी तकसीम करने के लिए। मिस्टर मोहम्मद हसैन नंबरदार आर्चरी में रनर अप हासिल हुआ सैनिक व्यथम ए, सैनिक व्यथम ए के एयर कमांडर से तालियों से उनका इस्तकबाल करें। रनर अप रहा है सैनिक व्यथम ए सुपर फाइव मॉडर्न आर्चरी। तो सुपर फाइटिंग वॉरियर्स के कमांडर से गुजारिश है अपना इनाम हासिल करें, उनका इस्तकबाल करें तालियों से। तो इसके बाद सुपर टेन ट्रेडिशनल आर्चरी का रनर अप हासिल है हमारे डिस्ट्रिक्ट के दूर इलाके से आए हैं, उनके एरो कमांडर से गुजारिश करते हैं कि आप यहां पे आए अपना इनाम हासिल करें। टीटू आर्चर रनर अप सुपर टेन ट्रेडिशनल आर्चरी मिलत फखर आज का चीफ गेस्ट काचो इम्तियाज अहमद को दावा देते हूँ कि आप आगे बढ़े आज का विनर अप का ट्रॉफी तकसीम करने अपने मुबारक हाथों से। तो विनर अप सुपर फाइव मॉडर्न आर्चरी में विनर अप हासिल किए हैं सैनिक गथम सिंह, सैनिक गथम सिंह के एरो कमांडर से गुजारिश है अपना इनाम हासिल करें। से गुजारिश है काचो के हाथ से अपना इनाम हासिल करें सुपर फाइव ट्रेडिशनल आर्चरी। सुपर टेन ट्रेडिशनल आर्चरी विनर का इनाम रामयुल अक्चमिल के एरो कमांडर से गुजारिश है इनाम हासिल करें। आप अपने मसरूफ वतन में से वतन निकाल के यहाँ तशरीफ आए हैं, इसके लिए मैं प्रमोशन सोसाइटी के तरफ से फिर से तमाम मेहमानों का तमाम टीमों का होय 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 होय।